नीचे श्री जी शुभ राधा जी कथा का दसम स्कंद सुना रहे भगवान की बाल लीलाएं, सभी माधुरी लीलाएं ऐश्वर्य शक्तियां बैठ करके सुन रही हैं। अब हुआ क्या, उसी डाल पर एक सुख बैठा है, कौन तोता, ये सुख रीझ गया और रीझ करके सुख ने क्या किया, श्री जी की कहां पकड़ ली तोते ने, और जब राधा जी की वहां पकड़ी तो सुख बोलने लगा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी मुस्कुराई, अरे सुख आप कितने प्यारे हो, कितने अद्भुत हो आप, एक कार्य करोगे, आप राधे राधे बोलते हुए बड़े प्रिय लग रहे हो, आप मेरे कहने से एक बार जैसे कृष्णा बोले, ये सुख उड़ा और उड़कर के श्याम सुंदर की बांह पर बैठ गया और पता क्या गाने लगा, श्री कृष्णा कान्हा जी मुस्कुराए और प्रवास सुख को पकड़ करके बोले, है रे तो ये मालूम ना कि मैं कृष्ण नाम से मिलूं या राधा नाम से मिलूं, सारी दुनिया मोह को रिझावे राधा नाम से और तू मोह को रिझाओ कृष्ण नाम से, कृष्ण कृष्ण कहता कहता खो गया वृंदावन में और राधा नाम जो लिया कृष्ण मिला कन कन में, अरे बावरे राधा राधा का राधे राधे का, ये शुभ श्याम सुंदर की बांह से उड़े और उड़ करके राधा जी की वहां पर फिर बैठे और कहने लगे, राधे श्री राधे श्री राधे, गोलोक की कथा है हर जन्म में सुनने को नहीं, वैष्णव इस भाव को समझ सकते हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व में यहाँ बैठे हैं वो इस भाव को पढ़ सकते हैं। श्री जी ने फिर कहा, तुमने मेरी आज्ञा ठुकराई, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम फिर मेरा नाम जपने लगे, अरे तुम कुछ समय के लिए तो कृष्ण कृष्ण कहो। अब सुखदेव जी कहते, राधे राधा कहो तो कृष्ण कहवे, राधा कहे और श्याम कहो तो आप कहो ये कहो, प्रक्रिया चल रही है घंटों हो गए। राधा जी मुस्कुराए और श्री जी ने सुखदेव जी को दुलार किया, आपने कहीं कहीं चित्र देखा होगा, श्री जी सुख को लाड लड़ा रही है, कहीं कहीं फोन में टीवी में किसी भजन में या चित्र में देखा होगा कि श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे श्री जी के साथ बैठे और सुख डाल पर सुशोभित एक तोता दिखाई दे रहा है, वो गोलोक का दृश्य है। अब राधा रानी ने कहा, सुन प्यारे क्या करना है, तो तू अमरनाथ जा, वहां देवाधिदेव भगवान शिव आनंद अभूषित परम अखंड ब्रह्म माँ भगवती को अमर कथा सुना रहे हैं, भागवत की चर्चा कर रहे हैं, जाकर के अमर कथा सुनो भागवत सुनो और आप अमर हो जाओ। आइए सुखदेव जी की दौड़ चली है गोलोक से अमरनाथ, शायद आपने कथा बार बार सुनी होगी, लेकिन इसमें इसमें बहुत गहरे रहस्य है, कथा तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं है, हर किसी के। आज पार्वती जी के जीवन में कथा क्यों आई, और सुखदेव जी की तो बात समझ में आई कि राधा नाम गाया कृष्ण नाम गाया श्री जी रीझ गई और राधा जी ने कहा जाओ और देवाली देव भगवान शिव के मुखमंडल से अमर कथा सुनो, जिस पर राधा जी की विशेष कृपा होती है ना वो भागवत तक पहुंचता है, जिस पर हनुमान जी की विशेष वो राम कथा तक पहुंचता है और जिस पर माँ पार्वती की विशेष कृपा होती है वो शिव कथा के पंडालों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान शिव मंगलाचरण कर रहे हैं अमर कथा का, पार्वती जी से कह रहे हैं देवी सावधान होकर के कथा सुनना, और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या, Oh.
108वां रूप है। शक्ति तो एक ही है लेकिन इनके रूप अनेक है। कभी ये सती बनी, कभी शादी, कभी भव प्रीता भवानी भव पोचनी आया दुर्गा छया हाथा त्रिनेत्र सुंदर की बिना दाढ़ी चित्रा चंद घंटा महामन बुद्धि चिता चिति अहंकार तर तंत्रमयी भव्य आय भव्य सुरागति स्वामी देव माता रतन प्रिय चंद मुट विनाशनी 108 स्वरूपों की व्याख्या कथाओं में हर जन्म में कथा सुनने को मिली। कथा कब मिली? पार्वती रूप और किस कारण कथा सुनने को मिली? सती के 5 अपराध किसी को मालूम है? 5 अपराध मां सती ने क्या किया? और जब दक्षिण यात्रा पर निकले तो दक्षिण दिशा में कुंभज ऋषि का आश्रम बना। कुंभज, अब हमने तो बोल दिया कुंभज ऋषि, कौन है कुंभज ऋषि? बोलिए, नहीं मालूम। अच्छा, किसको मालूम है कुंभज ऋषि कौन है?